अब महाराज को देरी हो रही है, उसने देखा अब तो ये महाराज को तो देना ही चाहिए, कुछ नहीं दिखा। उसने क्या किया, पान और सुपारी ली, अपने मुंह में डाला, जोर से चबाया और लेके जाके ये सब शिष्य ने देख लिया, साला आज पकड़े गया, अपना झूठा गुरुजी को खिलाता है, इसको तो आज है ही। लेके गया और महाराज को पान दे दिया। महाराज लेकर जैसा ही खाने वाले, सारे शिष्य भाग कर आए शिवाजी के सामने, भाग कर आकर बोले महाराज उसका हाथ पकड़ लो, महाराज तुम वो पान मत खाओ। शिवाजी महाराज ने भी क्यों स्वामी समदास ने क्यों क्यों नहीं खाने का, महाराज वो उसको आप आपके शिष्य को पूछो, इतना बड़ा बड़ा बात करते हो कि उसका हनुमान जी प्रत्यक्ष है, वो कहते हो ना, आज बता दो उसको कि ये पान किसमें कूटा है, वो पात्र लेके आने के लिए बोलो। अब ये भी परेशान हो गया कि क्या कहें। स्वामी जी ने बोला कल्याण तू इधर आया, ये सब लोग कहते हैं कि तुझे आज पान किसमें कूटा है, वो पान जिसमें कूटा है वो लेके आ। कल्याण ने एक मिनट देखा, छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ बगल में तलवार लगाई थी, उनने तलवार ली और अपना गर्दन काटा और कहा कि मैं इन्हें इसमें कूटा है, अपनी जबान ली। शिवाजी महाराज दंग रह गए, सारे शिष्य अरे हम इसको तो मार डाला, ये तो हमने क्या किया, इसका तो इसकी तो ये हालत बना दी हमने, कैसा हुआ। शिवाजी महाराज का प्रभु ये क्या हुआ, आपके शिष्य ऐसा मर गया। तो वो सारे शिष्य आकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमने ही छुपा कर रखा था, उसने तो गर्दन काट दिया आपके सामने। हमने कहा इसलिए वो मेरा शिष्य है, मैं तुम्हारे सामने बताता हूँ कि आज उसकी ये हालत थी कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने मेरी सामना मेरी शिष्यता की, मैं उसकी शिष्यता को इसलिए स्वीकार करता हूँ, वो पूर्ण समर्पित है मेरे लिए, और तुम्हारे सामने बताता हूँ आज जो उसने मुझे पान दिया है वही पान महाराज जी अपने जबान में डालकर खाए और उसके सर को लेकर उस पान को लगाया और धड़ को लगा दिए, धड़ चिपक गए और बताया कि ये शिष्य होता है। तो मैं कहता हूँ मैं साधना करने वाला बड़ा शिष्य हूँ कहना है मूर्खता की बात है। गुरु जो चाहता है किसके साथ क्या सेवा ले ये गुरु जानता है, सेवा करने वाला गुरु से भी शिष्य श्रेष्ठ होता है। आपने कभी शेगांव के गजानन महाराज के बारे में, बहुत सारे महाराष्ट्रियन हैं वो पढ़े भी होंगे, तो आपको एक बार पता है कि उनके शिष्यों में एक पीतांबर नाम का दर्जी शिष्य था, वो रोज फटे हुए कपड़े पहनता था और अपने शिव गजानन महाराज के पास बैठा रहता था। तो सारे दूसरे शिष्य देखते थे महाराज जी इसको काई को बिठाए, ये कुछ काम करने ना धाम का, चुप बैठे रहता, आपको तालियां बजाते बैठते रहता, न एक मंत्र करता ना जप करता ना कुछ करता, इसको लिए इसको किस लिए बिठाया, क्या कारण, रोज उसको कुछ न कुछ। तो एक दिन महाराज क्या करते हैं कि उसकी धोती फटी हुई है तो उन्हें अपना कपड़ा निकाल कर देते हैं, महाराज अरे वो फटी धोती है सब तेरा दिख रहा है, ये एक फटी है धोती ले ले तू धोती पहन ले, और महाराज ने दे दी। वो धोती जैसा ही पहन ले शिष्यों को और जलना शुरू हो गया, महाराज ने अपना कपड़ा उसको पहनने के लिए दिया, आज तक हमको कुछ प्रसाद के रूप में नहीं दिया, उसको कपड़ा दे दिया, सब लोग अब उसके पास गए, अरे मूर्ख है महाराज का कपड़ा तो अपना आंखों से लगा लेकर करना चाहिए, उसको कितना पवित्रता है, तो उस कपड़े को महाराज का दिया कपड़ा पहनता है, मूर्ख है तो पापी है, तुझे पाप लगेगा तुझे दोष लगेगा। अब वो तो परेशान हो गया कि महाराज तो पहने बोले और ये लोग शिष्य ऐसा गालियाँ दे रहे हैं। वो फिर महाराज के पास गया और महाराज जी मेरी गलती हो गई, आपका कपड़ा बोलते हैं कि आंखों से लगा कर लगना, लेकिन आपने पहनने के लिए कहा, मैं तो भोलेपन में कपड़ा पहन लिया, ये सब लोग मुझे बहुत ही चिढ़ा रहे हैं और बहुत सता रहे हैं प्रभु। तो गजानन महाराज कहते हैं तू जब तक यहाँ रहेगा ये ऐसे ही सताएंगे, मैंने तुझे कपड़ा दिया है प्रसाद के रूप में, मुझे मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ तू जा, तू जा तेरा कल्याण होगा, ये यहाँ जब तक रहेंगे तुझे ऐसा ही सताएंगे, और मैं इन सभी को निकालना ये भी अच्छा नहीं है, निकालूंगा तो तेरा मेरा दोनों को भी बदनाम करेंगे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ तू जा। पीतांबर महाराज को आंखों से पानी करते जब रोते हुए आगे निकला, आया आते आते हुए एक गाँव को आया, एक गाँव को आकर उसने देखा कि झाड़ के नीचे बैठा सो रहा है, तो गाँव झाड़ के नीचे पूरे चूंटियाँ थी उसको काटने लगी, तो झाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते गया, झाड़ पर भी चूंटियाँ थी, तो ये कोने में जाकर बैठ गया। वहाँ के गांव के लोग आए और देखिए सारा उतने छोटे से फांदी पर बैठा जाकर, ये क्या बात है, अरे तू कौन है वहाँ जाकर ऊपर बैठा है, नहीं भाई चूंटियाँ थी बोलकर ऊपर जाके बैठा हूँ। तो उसने कहा चूंटियाँ नहीं, उतने कोने में कैसा बैठा, गिर जाएंगे इसका डर नहीं है। नहीं बोला मैं मेरे गजानन महाराज का मंत्र बोलते हुए बैठा है, मैं मेरे गजानन महाराज है, मैं उसने कल सुबह उठ कर मैं चला जाऊँगा। बोलता झूठ बोलता है, गजानन महाराज के पास रोज़ पेड़े
वो सब खाने को मिलते, उनका उनको छोड़कर यहाँ झाड़ के नीचे कोई आता है क्या? झूठ बोला है तो गजानन महाराज का शिष्य नहीं। अरे मैं हूँ, उन्होंने कहा कोई गांव वाले मानने के लिए तैयार नहीं कि उन्हें शिष्य नहीं। तो उसको नीचे उतारते हैं और बोलते हैं कि तू अगर गजानन महाराज का शिष्य है, तुझे ये प्रमाण कर देना होगा कि तू गजानन महाराज का शिष्य। उसने कहा क्या प्रमाण देना होगा? बोले यहाँ ये सूखा हुआ झाड़ है, इस सूखे हुए झाड़ को अगर तू सच्चा गजानन महाराज का शिष्य है तो इस सूखे हुए झाड़ को पत्ते ला दे, बस हम तुझे मानते हैं कि तू गजानन महाराज का शिष्य। अब वो आंखों में आके रोने लगा, नहीं तो तुझे मार खाएगा। अब आंखों में पानी आया, रोने लगा, प्रभु ये मैं तुम बाहर जाओ। बोले मैं बाहर आ गया, छोड़ा ना गजानन महाराज का रहा, ना घर का क्या धोबी का कुत्ता, ना घर का खटका, मेरी हालत हो गई, ना यहाँ भी नहीं रहा वहाँ भी नहीं रहा, मेरी ये हालत कर गई। प्रभु आप कुछ तो करो, ये सूखे हुए पेड़ को पान कैसे आए? उन्होंने आंखों में रोते हुए रहा और बोला कि आज तो मरना कैसा भी है ही है। उस सूखे पत्तों उसे सूखे झाड़ को लिखे हुए थे गजानन महाराज का गण गण गणान, तो बोते मंत्र बोलते रहा और देखते हैं कि 6 मिनट के अंदर अंदर उस सूखे को पत्ते आए। ये जब उन्होंने देखा तो सब लोग बोले अरे यार क्या तू सूखे झाड़ को पत्ते लाया। तो ये जब बात गजानन महाराज तक पहुंची कि पीताम्बर नाम का शिष्य तुम्हारा फलोनी कोबोली कुंडली की गांव में ऐसा झाड़ को सिवा और उसके सूखे वृक्ष को पानी आ गया, ये बात छोड़ते हैं, तो गजानन महाराज ने वहीं से आशीर्वाद दिया। और ये जो बाजू चाड़ी करने वाले शिष्य जितने भी थे वहाँ बैठे थे, उन्होंने देखा कि प्रभु हमारे से गलती हो गई क्या, उसको तो उतनी सिद्धि दे दिया, हम यहाँ बैठे हैं हमारी कोई सिद्धि नहीं है। बोले तुम अच्छी तरह रहो, तुम्हारे को भी सिद्धि मिलेगी सेवा के, सेवा का भाव। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि सेवा अपने गुरु को प्रसन्न करके सेवा करने वाला उतना ही श्रेष्ठ होता है तपस्या से ज्यादा करने वाला। यानी हमारी हमारी सारी समस्याएं कहती हैं जिसने सेवा की उसको गुरु ने उतनी श्रेष्ठता प्रदान की। तो कोई सेवा करने वाला बड़ा है या साधना करने वाला बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता। गुरु का प्रेम प्राप्त करने वाला, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, यह श्रेष्ठ होता है और उसकी उस श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाला ही सिद्ध पुरुष कहलाया जाता है। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि आप में भी अगर सूखे वृक्ष को पत्ता पान लाना है या सूखे बॉडी में पानी लाना है या कुछ भी करना है तो आप में वह प्राणश्चेतना मंत्र होना चाहिए जिसका 1,00,000 मंत्र जप करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी प्राणश्चेतना जागृत हुई और हम ऐसी चीज़ों को कुछ भी कर सकते हैं। समझो बहुत सारे लोग देखते भी हैं, अभी मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए भी देखा है कि गुरुजी बहुत सारा दर्द दे रहा है। मैं ऐसा ही आता हूँ, कभी हाथ लगा देता हूँ, हाथ लगा दे कहता हूँ, वो 10 मिनट के बाद फ़ोन करता है गुरुजी सर दर्द कम हो गया। फ़ोन करता कोई गुरुजी बहुत बुखार है। अब हमारा अविनाश ही था कल, वहाँ से आया बच्चा, उसको उल्टियाँ कर रहा है, बुखार है बाबा, बहुत परेशान हूँ, उसको इसको ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ ट्रेन में? मैंने उसको यही दीक्षा दी, दो पीठ पे दो थप्पड़ मारे, जहाँ कुछ नहीं होता ले जाऊँ। जैसे वो ट्रेन में उतरा तो पहले फ़ोन करके आ रहे, तेरा बच्चा कैसा? गुरुजी आपने मारा हाथ को, बुखार विखार सब जगह, आज समुद्र के ऊपर खेल खेल रहा था अभी आपके सामने। तो इसमें हम उस प्राणश्चेतना मंत्र को अगर जो शिष्य करता है उसको प्राप्त करता है, उसकी श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता है। तो हम प्राणश्चेतना मंत्र को आज तक नहीं लिए, न पंचभूतों के मंत्र को नहीं लिए। यह बात परशुराम कल सूत्र में अगस्त महर्षि को परशुराम जी बता रहे थे। इसी बीच हुआ ये कि परशुराम जी को अगस्त महर्षि कहते हैं कि कुछ ऐसी विद्या हमें दे दो कि हम कम से कम शांति अनुभव करें। हम देखते हैं कि हर जगह देवताओं का, दानवों का झगड़ा है, मानवों का झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, घर में प्रॉपर्टी के लिए हो, धन के लिए हो, चोर है, उचक्के हैं, राजा है, प्रजा है, ये सारे झगड़े हैं। ऐसा कुछ छोड़कर हम कहीं सुख और शांति के साथ रहें हमारे घर में और हम अनुभव करें कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, हमारी इच्छाएँ पूर्ण हो। मनुष्य इन सभी से भी ज़्यादा कब जब उसकी इच्छा पूर्ण ना हो तो वो भी दुखी होता है। दर इच्छा नहीं हो तो उसको तुम कितनी भी काम करो, कितना भी मंत्र साधना दो, कुछ भी दो, वो तुम्हारे पास वही बात लेकर आएगा, गुरुजी मुझे जॉब नहीं मिला, मेरी शादी नहीं हुई, मुझे बच्चा नहीं हुआ, ये बात करते हुए आएगा ही आएगा तुम्हारे साथ। तो कहते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो ना, उसके लिए क्या करना है? तो महर्षि अगस्त को परशुराम जी कहते हैं कि मैं इसके लिए मैंने एक बात सोची है। महर्षि अगस्त मैं तुम्हें चाहता हूँ कि मैंने एक बार विष्णु और शिव जी का झगड़ा हो रहा था, तब मैंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि इस झगड़े को शांत करो। मैंने कहा ये कब हुआ था? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं जमदग्नि महर्षि शिव जी का अंश हूँ लेकिन अवतार विष्णु का ही है। एक बार ये हुआ था
कि भगवान विष्णु बैठे हुए थे, भगवान विष्णु बैठे हुए थे तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र घूम रहा था। महर्षि नारद आए और सारे ऋषि आए, आकर विष्णु की, विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे, कहा कि प्रभु तुमने कितने राक्षसों को मारा है, कितने लोगों की रक्षा की है, कितना लोगों का क्या किया है। अब कभी कभी ऐसा होता ही है ना, तो अगर गलती से भी तुम आकर मेरी तारीफ करने लगे और शिवा बाहर खड़ा है, समझो आगे नहीं आज नहीं कल कहेगा साला गुरुजी को सेवा मैं करता हूँ, गुरुजी को इतना सब कहता हूँ, गुरुजी को भी प्रशंसा करते हैं, मेरी को नहीं करते। वैसा ही सुदर्शन यंत्र को भी लगा कि तुम हर बार इतना सब करते हो, लेकिन नारद जी जैसा ही सुदर्शन को देखे नहीं। तो सुदर्शन ने एक बार विष्णु को देखो, उसको गुस्सा है। सुदर्शन ने कहा कि नारद महर्षि और महर्षि आप ये देख रहे हैं कि कभी भी आकर विष्णु की स्तुति करते हो और ऐसा ही भूल के जाते हो। कभी कहा विष्णु ने कितने भी राक्षसों को मारा है वो केवल सुदर्शन चक्र से मारा है, कभी मेरी तारीफ की? ये बात उन्होंने कहा।